हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को। और मैं आई थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि आज दिवाली है, तो दिवाली के लिए जो हमें जो रात को चाहिए होगा, जैसे खीर बतासे, वही मैं लेने के लिए आई थी। और टाइम हो रहा था यहाँ पे 1 या 2 का टाइम हो रहा था, दोपहर के टाइम ही आई थी। खाना वगैरह खा लिया था, तो अब फिर जाते जाते फिर वही चाय वगैरह, शाम का टाइम हुआ, फिर चाय वगैरह पी, और उसके उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ रंगोली बनाने के लिए। और साथ में मेरे साथ भी ना आरना भी रंगोली बना रही है, तो उसकी अलग रंगोली चल रही है और मेरी अलग। और मैं ना जो रंगोली बनाई है ना, वो मुझे तो रंगोली आती नहीं है बनानी, बट कोशिश ज़रूर करी है। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है रंगोली अपने हाथों से, नहीं तो मैं हमेशा जो बनाई बनाई आती है वही मैं उसी से ही बनाती थी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आरना आपको हैप्पी दिवाली बोल रही है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और अभी मैं रंगोली बनाकर आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था, तो जैसे मुझे आती थी मैंने वैसे बना ली। मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ मैं रंगोली में, तो बहुत अच्छी लग रही है, एंट्रेंस पे ही बनाई हुई है। और अभी अभी मैंने सिर्फ रंगोली ही बनाई है, और अभी पूजा वगैरह नहीं हुई, तो पूजा का टाइम वैसे हो गया है। और ये आप देख रहे हो ना, यहाँ दिए रखे हुए हैं, तो ये दिए जो है ना, अभी मैंने शाम के टाइम भिगो के रखे थे, ताकि जो तेल हो ना तो वो हो जाए, मतलब सोखे नहीं, मतलब जल्दी से खत्म हो जाता है ना वो चीज़। तो अभी मैंने इसको, पंखा भी मैंने बंद करा है, तो ये सूख चुके हैं, और अब जाके हम पूजा वगैरह करेंगे। और अभी मेरा जो दिए है, अभी मैंने प्रॉपर तरीके से जलाई नहीं है, और आज जो मेरा घर है बहुत ज्यादा जगमगा रहा है, बहुत ज्यादा ही जगमगाया हुआ है। और ये वाला रूम, यहाँ की लाइट लगता है बंद हो गई। अच्छा, यहाँ की लाइट बंद हो गई है बालकनी की। और अभी आपको मैं पूरा अपना घर प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली मतलब पहली हमारे नए घर में पहली दिवाली है जो कि बहुत अच्छी गई है। और ये है मेरी बालकनी, बेडरूम वाली, तो आपको मैं पूरा लुक अभी थोड़ी देर में ही दिखाऊंगी। पूजा का टाइम भी हो गया है, और पूजा करने से पहले ना हमारे में सबसे पहले दिए रखे जाते हैं, उसके बाद ही पूजा करी जाती है। तो सबसे पहले जो दिए होते हैं वो मेन गेट पे ही रखे जाते हैं, उसके बाद घर के हर कोने पे रखे जाते हैं। तो फटाफट से पहले दिए रख के, और पूजा का जो टाइम है वो लगभग शुरू ही हो गया था, तो बस यहाँ दिए रख के पूरे घर में, और हम जाएंगे पूजा करने के लिए। तो पूजा की तैयारी हो रही है, और पूजा मतलब आरती होने से पहले हर हर जगह सबसे पहले शंख ही बजाया जाता है, तो पहले शंख बजाते हैं। तो आरती हो रही है, और ना आरती जब होती है ना तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, चाहे मंदिर में हो रही हो चाहे हम खुद गा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और पूजा वगैरह होने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना हाउस टूर ही दे रही हूँ दिवाली वाला, कि कैसा मेरा घर जो है जगमगा रहा है। तो ये है रंगोली, और सच में रंगोली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने रंगोली बनाई है, मैं मतलब इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बनी, बट मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बनी है, फर्स्ट टाइम बनाई है।
तो चलिए आप मेरा दिवाली वाला हाउस टूर देखिए, जो मैंने अपना घर जो जगमगाया है वो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरी वीडियो में बने रहिए आप, और वीडियो को एंजॉय कीजिए। पूजा जो है मेरी हो गई है और मैंने आपको अपना घर दिखाया, क्योंकि पूजा के टाइम में हो ही गया था। तो मैंने फटाफट से ना पहले सोचा कि चलो मैं फटाफट से ना पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जगमगा रहा है बिल्कुल। और मैंने यहाँ पर भी लाइटिंग लगाई थी। मैंने आपको अपना दिवाली डेकोरेट जो मैंने अपना घर किया था, तो वो मैंने आपको वीडियो आपने सबने देख ही ली होगी। और अब हम जाएंगे खाना खाएंगे। पहले मैं पराठे वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी जो है बना ही ली थी मैंने, पनीर की सब्जी बनाई है। और आपने को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि वो जो खील होती है ना, जिसमें हम वो करते हैं, ये वो ये वाली खील खा रही है। और बस, और आज पहना है मैंने ये सिंपल सा है कुर्ता है, तो आज मैंने ये डाला है। कुछ ज़्यादा से रेडी नहीं हुई हो, कानों में ये है। और मुझे फर्स्ट टाइम मैंने अपनी रंगोली बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फाइनली अब हम खा रहे हैं खाना, और भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो सबसे पहले मैंने, वैसे तो मैं हमेशा ही मैं सबसे पहले आरना को खिलाती हूँ, बट आज आरना को मैंने सोचा कि आज हम आरना को साथ में बिठा के ही खिलाते हैं, तो वो और अच्छे से खा लेगी और ज़्यादा भी खा लेगी। अकेले खाती है ना, तो घूम घूम के खाती है और थोड़ा रुक रुक के खाती है, इसलिए तो आज उसने जल्दी खाना खा लिया था हमारे साथ ही। और उसके बाद फिर हम चले गए थे फुंझड़िया जलाने के लिए। नहीं नहीं पापा पापा नहीं आना, हाथ में छोड़ दे आप, तीनों जलाएंगे। हाँ ना पापा, देखो हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली। कोई नहीं, और हम ना नीचे आ गए थे क्योंकि ऊपर ना मेरा मन नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। अजीब मीन्स मतलब लग नहीं रहा था कि दिवाली है। जैसे ही मैं नीचे आई ना, जैसे ही मैंने लिफ्ट से बाहर निकली, तो बहुत अच्छा लगा ये फ्लावर और हैप्पी दिवाली देखकर, तो मतलब मन खुश हो गया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो हर कोने पे दिए और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कराए जा रहे थे, तो मतलब देख के लग रहा था कि हाँ दिवाली है। तो मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि ये अपनी वही सोसाइटी है जहाँ से हम निकलते हैं। मतलब होता है ना कि ऐसा, जब रोज़ एक ही दिन सा देखते रहे, फिर कुछ एक एक मतलब एक नया सा कुछ दिखे तो बहुत अच्छा लगता है, बस वैसे ही वाली फीलिंग आ रही थी। और देखिए यहाँ पर बाहर जो वो होती है एंट्रेंस होती है बाहर पे, यहाँ पे बहुत बड़ा दिया लगाया हुआ था, और ये है बाहर का थोड़ा सा व्यू जो कि देखने में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल थी, तो और टाइम जो था ना, टाइम हो रहा था 10:30, तो मैंने आने के कपड़े चेंज कर दिए थे, अपने भी मैंने कर लिए थे क्योंकि बाहर हवा भी चल रही थी और ठंडा मौसम भी था, इसलिए मैंने चेंज कर दिए थे आना और अपने कपड़े। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से होकर आए हैं,
और बाहर ना बहुत ज़्यादा ही रौनक है, लग रहा है कि हाँ दिवाली है आज। और जैसे ही मैंने लिफ्ट से बाहर निकली ना, मतलब मैंने देखा कि इतनी बड़ी रंगोली हैप्पी दिवाली लिखी हुई थी। फिर थोड़ा सा और आगे गई तो लोग फोटो वगैरह करवा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, देख के लग रहा था कि हाँ आज दिवाली है। नहीं तो पता क्या, जब हम खाना वगैरह खा के बालकनी में गए ना, तो बिल्कुल भी रौनक नहीं लग रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज दिवाली है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बम पटाखे जो है वो जलाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अलाउड नहीं किया हुआ पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है इसलिए, तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखते हैं कि यहाँ का क्या हिसाब किताब है, मतलब अगर लोग यहाँ दिवाली मनाते हैं तो किस तरीके से मनाते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर नए आए हैं तो हमें कुछ पता नहीं है। हमारे घर में, नए घर में हमारी पहली दिवाली है इसलिए। तो हम गए ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लोग थे, तो वो भी बम पटाखे जला रहे थे, और मतलब अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, लग रहा था कि हाँ आज दिवाली है। तो ये था, आरना को भी हमने वो फुंजड़ी होती है ना वो जलवा दिया था, क्योंकि मेरी सिस्टर आई थी धनतेरस पे, तो सिस्टर आई थी, भतीजा और भाई था, तो वो आए थे दिवाली का गिफ्ट देने के लिए आए थे, तो वो लेकर आ गए थे उसके लिए, आरना के लिए। तो फिर मैंने उससे वही जलवा दिया, क्योंकि जब वो आवाज़ें सुन रही थी ना बम पटाखों की, तो उसका मन कर रहा था कि मैं भी जलाऊँ, मतलब खुंजड़ी उसको याद आ गया था, जब मेरी सिस्टर आई थी ना तो उसने उस दिन जलाई थी, तो उसको याद आ गया था ना, तो फिर मैंने बोला कि चल ठीक है मैं इससे जलवा देती हूँ, तो थोड़ा उसका जो मन खुश हो जाएगा। तो वो दो खुंजड़ी उसने जलाई, उसका मन खुश हो गया। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बोर से हो गए, मतलब बोर हो रहे थे, तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को चलो बाहर चलते, थोड़ा सा नीचे टहल कर भी आ जाते और पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर लोग कैसे मनाते हैं दिवाली। तो बहुत अच्छे मनाते हैं, मतलब दिल खुश हो गया, बस यही था। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, आरनो को भी कपड़े चेंज करवा दिए थे, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है और मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे मतलब दिवाली मनाई जाती है कि नहीं। मतलब हर जगह वैसे दिवाली मनाई जाती है, बट इस टाइम पर जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा है ना, तो इस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि शायद मनाई जाए, बट बहुत अच्छी मनाते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम जरूर याद रखेंगे, हमेशा हम नीचे जाएंगे दिवाली वाले दिन, हमने ऊपर ही मना ली थी तो इसलिए। और खाना वगैरह हो गया है तो बस सोने जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो आपसे मैं बात कर लेती हूँ और वीडियो को अभी एंड कर देती हूँ। तो मैंने छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है दिवाली स्पेशल, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, एक छोटा सा तो लाइक ज़रूर कर देना, छोटा सा क्या मतलब थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो वीडियो में तो लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। और हाँ, अभी एक दो दिन से आप लोगों के पास मेरे उसके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ही, क्योंकि धनतेरस वाले दिन भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना उस दिन, बहुत ज़्यादा ही, तो ना विश किया गया। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर याद रखूँगी, तो थोड़ा सा बिजी मैं चल रही थी इसलिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।